विदेश में इलाज करा रहे अरुण जेटली की जगह बजट से ठीक पहले पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर पीयूष गोयल को ये जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि अरुण जेटली की बीमारी के चलते ये फैसला लिया गया है। 1 फरवरी को बजट पेश होना है। ऐसे में अब ये लगभग तय है कि इस बार का बजट पीयूष गोयल ही पेश करेंगे। जेटली अब स्वास्थ्य सही नहीं होने तक बिना किसी मंत्रालय के मंत्री रहेंगे। गौरतलब है कि बीते हफ्ते वित्त मंत्री अरुण जेटली को इलाज के लिए अचानक अमेरिका का रुख करना पड़ा था। हालांकि पार्टी के हवाले से और खुद अरुण जेटली सोशल मीडिया के जरिए कह चुके थे कि वो 1 फरवरी को अंतरिम बजट से पहले देश लौट आएंगे। इसके बावजूद ये अंदेशा था कि शायद जेटली स्वास्थ्य के चलते बजट सत्र में शरीक ना हो सके। ऐसे में माना जा रहा था कि एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट में पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का भार दिया जा सकता है। लिहाजा इस खबर के बाद अब साफ है कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार की आखिरी बजट स्पीच को पीयूष गोयल पढ़ेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीयूष गोयल पार्टी के लिए संकट मोचन की भूमिका में आए हैं। इससे पहले भी कई बार पीयूष गोयल मुश्किल घड़ी में पार्टी और सरकार के काम आए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली जब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एम्स में भर्ती हुए थे तब भी पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया था। बीमारी के चलते बीते 9 महीने में अरुण जेटली ने कोई विदेश यात्रा भी नहीं की थी। इससे पहले सितंबर 2014 में अरुण जेटली ने वजन कम कराने वाली बेरियाट्रिक सर्जरी दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में कराई थी। जेटली हार्ट की भी सर्जरी करा चुके हैं। बीते दिनों बीमारी से उभरते हुए वो पार्टी में काफी सक्रिय दिखे थे। तब माना जा रहा था कि वो स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन बीते रविवार की रात वो अचानक इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए।